आज मैं एक शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिनका नाम है इशा जवाद। इनका सबसे बड़ा तारुफ जो है वो कहते हैं ना, जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। इनके तमाम तारुफ जो हैं वो बालाए ताक रखते हुए इनका सबसे बड़ा तारुफ ये है कि ये नात खुआ हैं, सना खुआ ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूँ शारिक अली और आज मैं एक शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिनका नाम है इशा जवाद। डॉक्टरेट की स्टूडेंट हैं, एफएससी प्री मेडिकल कर रही हैं, इसके अलावा कराटे में ऑरेंज बेल्ट भी हैं। जबकि इनका सबसे बड़ा तारुफ जो है वो कहते हैं ना, जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। इनके तमाम तारुफ जो हैं वो बालाए ताक रखते हुए इनका सबसे बड़ा तारुफ ये है कि ये नात खुआ हैं, सना खुआ ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इशा, मुझे ये बताएं कि कब से जो है वो मौसीकी के साथ, सुरों के साथ, नात के साथ ताल्लुक़ है? छोटे तो से शौक़ था मेरा, तो मैंने स्कूल वगैरह में पढ़ना है, देन कॉलेजेस वगैरह में पढ़ना, तो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया सब ने, एंड देन कप्स वगैरह मिले, सो मैंने कहा फिर अभी इससे सोशल करना चाहिए। मुझे ये बताएं कि जब आप शुरू में बचपन में, क्या शुरू से नात ही पढ़ती आई हैं या पहले गाने वगैरह भी गाती थी? नहीं नहीं, सिर्फ नात ही थी। अच्छा, शुरू से नात का शौक था और स्कूल में आपने मुकाबला जात में हिस्सा भी लिया? जी ऐसे ही, और हमेशा फर्स्ट आई। हमेशा फर्स्ट आई हैं आप। और इस मरतबा जो आपने नात पढ़ी है वो अरेबिक में आपकी नात वायरल हुई है और उसने जो है एक रिकॉर्ड बना लिया है कि क्या उसकी व्यूअरशिप है, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी है। तो अरेबिक का ही कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि इधर मोस्टली लोग तो जो हैं वो उर्दू कुछ जानते हैं। देखिए, जिनको अरेबिक पता है, जिन लोगों ने हिफ्ज़ किया है, जो कुरान पाक पढ़ते हैं, तो उन्हें तो समझ आती होगी। और अरेबिक का कॉन्सेप्ट इसलिए रखा कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो ये मैंने कहा कि रमज़ान का पैगाम देना चाहिए, तो फिर मुझे अच्छा लगा सुनने में, मैंने कहा इसे रिक्रिएट करते हैं। अच्छा, खुदा दाद सलाहियतें जो होती हैं वो तो हर शख्स के अंदर होती हैं, अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया होता है, लेकिन कहते हैं कि कोई भी उस्ताद जो होता है उन जो खुदा दाद सलाहियतें होती हैं उनको नरिश कर देता है, उनको बड़ा जो है वो बूम मिल जाता है। तो कोई उस्ताद भी आपने बनाया या अभी तक जो है वो खुद ही से? वैसे तो छोटे से लेके अभी तक खुद ही से जो था ये शौक़ था, खुद ही मैंने सुरें लगानी, लेकिन इस नात में मुझे अदील भाई ने बहुत हेल्प किया। अदील भाई आपके मेंटोर हैं वो? हाँ जी, प्रोड्यूसर। अभी सुनाए हमारे व्यूअर्स को, पहले तो वो वाली नात आपने सुनानी है जो आपने पढ़ी है और वायरल हुई है, उसके बाद एक मेरी जो है फरमाइश भी होगी अरेबिक की। चल ठीक है। والقلب سما نحو السما مترنما لا لا تنقضي انت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان सुभान अल्लाह। इसका तर्जमा भी थोड़ा सा बता दें हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि सवाब में तो सारे शामिल हैं, तो इसको समझ के जो है इबादत में भी शामिल हो जाएंगे। इस पूरी पैगाम का ये मतलब है कि आप रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और आपको चाहिए कि आप इफ्तार बांटें उन लोगों में जो गरीब हैं, जो कि नहीं खा सकते, और ये है कि अपने बुज़ुर्गों के साथ जो है वो मिलके इफ्तार करें, उनका ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत करें। अच्छा, आज हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये बातें की जाती हैं कि वुमेंस जो है वो एम्पावर नहीं है, तो आपको क्या लगता है आपके स्टेप से आपके वालदैन ने आपका कितनी हेल्प की और आपको महसूस हुआ कि एक लड़की जो है वो सब कुछ कर सकती है जो एक लड़का करता है? जी बिल्कुल ऐसे ही, और ऐसा ये जो लोगों की सोच है बिल्कुल गलत है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, गर्ल्स की भी वही पावर होती है जो कि बॉयज़ की होती है, और ज़्यादा आगे जा रही हैं आजकल की जो गर्ल्स हैं ना, जो कि सोशल हुई हैं,
और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही होना चाहिए कि लड़कियां नहीं कुछ कर सकती, या ऐसे पेरेंट्स बिल्कुल ही होना चाहिए जो कि कहती हों कि घर रहे सिर्फ किसी के सामने ना जाए। और ये फराटे में ऑरेंज बेल्ट आपने जीती हुई है, तो हाथ वगैरह कोई एक पंच भी करके दिखा दें ताकि लोगों को पता चले कि वो कहते हैं ना, हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, तो आप तो फौलाद हैं बाहर और वैसे आप जो है हुज़ूर की सना ख्वाह भी, एक आधा पंच करके दिखा दें हमारे व्यूअर्स को। इधर कैसे करके दिखा, ऐसे ही करके दिखा दें जैसे मानूर करती है। अच्छा मुझे ये बात बताएं कि आपने जो नात पढ़ी, एक अगर मैं फरमाइश करूं तो आप पढ़ देंगी? वो फरमाइश वो करूंगा जो आपको आती होगी नात, आपने सुनी होगी बड़ी मारूफ नात है सुबह, वो सुना दें। सुबह الصبح بدا من قال آتيه والليل دجى من وفراته هي نور سهر چهرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے ہے اللہ 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 ماشاءاللہ باتیں اور بھی بہت تھی کرنے کو لیکن وقت کی قلت جو ہے وہ بھی پیش نظر ہے۔ आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि टिकटॉक पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कहीं पे वायरल होने के लिए आपको अगर ठुमके ही लगाने पड़े, अगर आपको नाचना ही पड़े, तो ज़रूरी नहीं है। किबला ने शिकवा जवाब शिकवा में आखिरी शेर जो फरमाया ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये उसी की मुजस्म तशरीह होते हैं जब कोई हजूर का नाम लेता है और वो वायरल होता है। जो दुनिया वायरल होती है उसका मज़ा अलग होता है, लेकिन जब आप एक पॉजिटिव काम करके एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वायरल होते हैं तो उस इज्जत को आप फेम तो मिल रहा होगा, तो लोग मैसेजेस भी करते होंगे, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है और ये भी लगता है कि मैंने लाइक एक अच्छी फील्ड चूज़ कर ली है कि मैं दूसरी गानों की तरफ नहीं गई, मैंने इस्लाम से अटैच होकर जो है ना चीज़ चूज़ की है। बहुत शुक्रिया जी, इसी मैसेज के साथ आज के इस प्रोग्राम का, इस सेगमेंट का इख्तिताम करेंगे कि कभी भी आपका मजहब, आपका पहनावा, आपका हिजाब, आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी, कामरानी की राह में रुकावट हरगिज़ नहीं बन सकता। आप अपने मजहबी अतवार को अपनाते हुए भी कामयाब हो सकते हैं और उसकी ज़िंदा मिसाल डॉक्टर इशा जवाद हैं। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान शारिक अली को, फिर मिलेंगे, अल्लाह निगहबान।